हेलो डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आईएफएस, सो आज हम जो हमारी लेक्चर सीरीज कल से स्टार्ट हो चुकी है टीएफआर की प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन की जहां पे आपको सुबह पे मॉर्निंग में 2019 के क्वेश्चंस पेपर डिस्कस होंगे एंड इवनिंग में 2020 के क्वेश्चंस पेपर डिस्कस होंगे तो आज मैं आपके लिए जो टी एफ आर ट्वेंटी ट्वेंटी का एनालिसिस का जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ यहाँ पे डिस्कशन करने के लिए तो जल्दी से ये लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टेटस पे शेयर कर दीजिए बिकॉज अभी थोड़ी दिन में पी आई एफ आर की एग्जाम होने वाली है संडे को तो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे उसके लिए और जो भी प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने का भी ट्राई कर रहे होंगे तो आपके फ्रेंड्स जो है वो भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं तो फिर उसके बाद उनको जो भी उनके डाउट्स होंगे इनफैक्ट आपके भी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाए ओके वेरी गुड इवनिंग पल्लवी भारती संजीव विकास मैथमेटिक्स वेरी गुड इवनिंग सो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को जहाँ पे 2020 ट्वेंटी का जो 2020 की क्वेश्चन पेपर थी

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है वो एक सेंटर है जहाँ इंडिया में जहाँ पे आपको पीएचडी कर सकते हो या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हो मैंने व्हाट इज टी एफ आर नाम की एक वीडियो भी हमारे आईएफएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे डाली है जहाँ से आपको पता चलेगा कि टी एफ आर क्या होता है उसके क्वेश्चन पेपर का सिलेबस क्या है वहाँ पे क्या किया जाता है आप पी कर सकते हो इंटीग्रेटेड पी कर सकते हो उनके आपको फेलोशिप मिलते हैं वो फेलोशिप प्रीवियस के जो भी टॉप uh, जो भी है अभी तक जितने भी इंफॉर्मेशन है टी एफ आर की वो सारी मैंने वहाँ पे डाली है जो मैंने व्हाट इज टी एफ आर का लेक्चर लिया था वहां तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप वहां पे उस वीडियो को देख सकते हो और जो भी आपके डाउट्स है उसको क्लियर कर सकते हो ओके okay? और बेसिकली टी एफ आर का मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको वहाँ पे या तो जैसे आप आईआईटी में इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पी करने का ट्राई करते हो बीएससी कंप्लीट होने के बाद आईआईटी आई जाम की एंट्रेंस एग्जाम देते हो और वहां पे आईसर में या फिर आईआईटी में इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हो वैसे ही टीएफआर में भी यही होता है आप उनकी जो अभी हम पेपर डिस्कस करने वाले थे वो ट्वेंटी का पेपर था तो जो पेपर उनके रहते हैं इंट्रांस एग्जाम जो उनकी रहती है उनको आपको क्वालिफाई होना पड़ता है और उसके बाद उनका इंटरव्यू रहता है उसको भी क्वालिफाई होना पड़ता है उसके बाद आपको वहां पे एडमिशन देते हैं ओके और वहां पे आपको दो ऑप्शंस रहते हैं या तो आप वहां पर कंप्लीट करने के बाद पीएचडी के लिए जा सकते हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप वहां पे यमएससी इंटीग्रेटेड पी करने के लिए जा सकते हो तो ये जो एग्जाम है ये एग्जाम यमएससी कम्प्लीट होने के बाद जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी है एंड जो ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या फिर आई आई टी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन स्टूडेंट का पैशन है एक रिसर्च में रहना जिनको पसंद है कि मुझे आगे जाके सिर्फ रिसर्च में रहना है उस हाई लेवल की रिसर्च में जाना है तो उनके लिए ये इंडिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन ओके चलिए सो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा जो ट्वेंटी ट्वेंटी का जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन अभी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे ही तो आपको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है जो भी आपको मैं तो यहाँ पे डिस्कस हंड्रेड परसेंट करने वाला क्वेश्चन को कोई डाउट नहीं है जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो गए वो आप यहाँ पे हंड्रेड परसेंट सॉल्व हो जाएंगे बट आपको भी जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेंगे वो सॉल्व करने हैं दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट ईयर में पी एफ आर के टोटल फोर्टी क्वेश्चन थे जहां पर ट्वेंटी एम सी क्यू थे एंड ट्वेंटी ट्रू एंड फॉल्स थे ओके okay, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें से कुछ एनालिसिस के क्वेश्चन थे कुछ अल्जबरा के थे ज्योमेट्री टॉपोलॉजी के कुछ क्वेश्चन थे ओके okay, तो यहाँ से एनालिसिस का भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड अल्जेबरा लीनियर अल्जेब्रा एंड एबस्ट्रैक्ट अल्जेब्रा उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो जो एनालिसिस के क्वेश्चन है उसको आज हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे है तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यह जो क्वेश्चन है वो किस मेथड से या फिर किस रिजल्ट से सॉल्व करना है वेरी गुड इवनिंग मैथ लवर शशांक शुक्ला वेरी गुड इवनिंग मैं तो बहुत बढ़िया हूं आप कैसे हो और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ओके शशांत सॉरी शिक्षा जी ने बोला है कि जो आंसर है क्वेश्चन वन का वो आंसर थ्री है वेरी गुड बहुत जल्दी आंसर दिया क्वेश्चन देखिए एक बात तो कंफर्म ये बात तो आप कंफर्म कर लीजिए कि आप टी एफ आर को अगर आप चाहते अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टी एफ आर की एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होती है उनका सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज जो सिलेबस टी एफ आर का है जो रिजल्ट्स हम आज यूज करने वाले हैं वही रिजल्ट्स हम नेट के लिए भी यूज करते हैं वही रिजल्ट्स हम गेट के लिए भी यूज करते हैं जस्ट क्वेश्चन का जो अप्रोच है आपका वो करेक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं करना है आपको आपको और कोई एडवांस में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है जो कंटेंट नेट के लिए है गेट के लिए है जो सिलेबस वही सिलेबस ज़्यादा कोई और सिलेबस यहाँ पे नहीं रहता तो सिलेबस वही है रिजल्ट भी वही है थेरम्स भी वही है सब वही है आपको सिर्फ उसको अप्लाई करना और अच्छे से आना चाहिए ओके okay? शशांक जी ने आंसर दिया है सेवनटीन सॉरी थ्री आंसर दिया है वेरी गुड चलिए सो so, इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर देते हैं मुझे एक बात जल्दी से बताइए कि कौन सा रिजल्ट आपने यहाँ पे यूज किया है जो हमारी सीक्वेंस है गिवन क्या है ए एक सीक्वेंस दी है एंड बी एक सीक्वेंस दी है जो बी एन को डिफाइन ऑलरेडी उन्होंने किया है कि टू टू दावर एन प्लस थ्री टू दावर एन होल टू दी पावर वन बाय ये हमारी एन है एंड बी एन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली उन्होंने और डिफिकल्ट तरीके से डिफाइन किया है बट अगर आप उसको सिंप्लीफाई करके जाओगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी ओके okay, तो बी एन कैसे डिफाइन किया उन्होंने बी एन इज यन डिवाइडेड बाय समस्ट डाउंट स्टेप बाय स्टेप कोई प्रॉब्लम नहीं है हम यन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ यन आई रन फ्रॉम वन टू यन वन अपॉन सॉरी वन अपॉन एन राइट यस संजीत ने भी आंसर दिया वेरी गुड तो ये आपकी बी एन है और आपका टारगेट क्या है आपका क्लेम क्या है आपको फाइंड करना है बी एन कालीमेट राइट तो एन का लिमिट आप इजीली फाइंड कर सकते हो एन क्या है टू टू दी पावर प्लस थ्री टू दी पावर यस वेरी गुड कोशिश भी दो थेरम से कोशिश के भी दो थेरम से, थे से एक है ज्योमेट्रिक मीन के लिए और एक है अरिथमेटिक मीन के लिए उसमें भी हमें एक ही थेरम यूज करना है दोनों के दोनों रिजल्ट्स हमें यूज नहीं करना ओके? तो एन हमारा ये है राइट Which is same as, अब इसको कैसे सोल्व करते हैं जो हाइएस्ट नंबर रहता है उसको बाहर लेना पड़ता है राइट right? यही हमारी प्रोसीजर है कि जो भी हाइएस्ट नंबर होगा उसको बाहर ले लिया जाए बिकॉज जो उसके बाद जो अंदर वाली ये जो टर्म रहेगी जब मैं हाइएस्ट नंबर बड़ा वाला नंबर जब मैं बाहर लूंगा तो अंदर जो टर्म रहेगी वो लेस देन वन ये टू बाई थ्री दैट विल बी लेस देन वन एंड एज माई यन टेंट इनिटी गोस टू जीरो इसकी वजह से हम बड़ा वाला नंबर जो होता है वो बाहर लेते हैं थ्री टू दी पावर एन टू दी पावर वन बाय वेरी गुड शशांक जो क्वेश्चन जो रिजल्ट हमें यहाँ पे यूज करना है वो करना है पावर एन टू दावर वन बाय इज थ्री इंटू वन प्लस इंटू वन प्लस टू बाई थ्री टू दावर एन होल टू दावर वन बाय ओके एक डायरेक्ट फॉर्मूला है लाइव में भी कई बार वो रिजल्ट लिया है इसका लिमिट क्या जाएगा थ्री तो कॉन्स्टेंट है लिमिट यू इन्फिनिटी वन प्लस टू बाई थ्री टू दावर यन होल्ड टू दावर वन बाय विच इज सेम एज थ्री इन टू ई टू दावर फिर से डिटेल में बताऊंगा एक्सप्लेन भी करूँगा okay? so, रिजल्ट क्या रहता है जो पावर में है उसको मल्टीपल लेके आओ तो वन बाईन को मल्टीपल में लेके आया और जो बेस है उसमें से एक क्या करो सब्रैक्ट करो ओके okay, एक को मैंने सब कर लिया सो वन माइनस वन कैंसिल हो गए विच इज से मैथ ओके okay, धीरेन्द्र जी आप सिंपली हमारे आई एफ एस का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को ज्वाइन कर दीजिए तो जो भी हमारे डेली लाइव होंगे हमारे सारे फैकल्टीज के डेली लाइव रहते ही है तो उस लाइव को आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और अगर आप हमारे बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी लिंक मिल जाएगी तो उस लिंक के ऊपर आप जब भी हमारा लाइव सेशन खत्म हो जाएगा आप वहां पे जाके हमारे बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते ओके सो टू का लिमिट क्या है जीरो है एंड टू अपॉन थ्री होल्ड टू दावर ये टू अपॉन थ्री इज लेस देन वन यस फॉर सी एस आर नेट आपको जल्दी कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी तो वहां पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो तो या फिर आप डब्ल्यू 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 उन द डॉट आई एफ एस ऑनलाइन डॉट कॉम ओके इस वेबसाइट पे जाके भी आप, आपकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो ओके सो ई टू दावर वन बाई एन का लिमिट जीरो टू बाई थ्री विच इज लेस देन वन देयर फॉर टू बा इसका लिमिट भी क्या आएगा जीरो आ जाते हैं जब भी कॉन्स्टेंट टू दावर एन होता है और कॉन्स्टेंट लेस देन वन होता है तो उसका लिमिट क्या होता है दैट इज जीरो सो इन टू जीरो थ्री इंटू एट दावर जीरो दैट इज थ्री इंटू वन सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन का जो लिमिट होगा वो क्या बन जाएगा थ्री बन जाता है इसी से हम क्या बोल सकते हैं देखिए यहां पे क्या है 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 तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूं वन डिवाइडेड बाय वन डिवाइडेड बाय वन अपॉइन ए वन प्लस वन अपॉइन ए टू प्लस वन अपॉइन ए थ्री प्लस वन अपॉइन एन डिवाइडेड बाय ओके कैन राइट दिस विच इज सेम एज वन डिवाइड दिस इज माई बी एन ओके सो बी एन में फाइनली कैसे लिख सकता हूं लेट एस टेक वन अपन एन इज माई एनी अनदर सीक्वेंस लेट एस टेक बी एन ओके सो दी वन प्लस बी टू अपू बी एन डिवाइडेड बाई सो नो प्रॉब्लम यहां पर बी एन को हमने ऑलरेडी यूज किया है तो हम दूसरी सिक्वेंस ले लेते हैं हम लेते हैं यस एन प्लस यस टू अपू यस एन ओके सो ये प्रोसीजर से ओके okay, मैथ्स लवर पूछ रहे हैं कि सर टू कॉमन निकाल सकते हैं क्या थ्री के रिप्लेस पे देखिए अगर आप टू को कॉमन निकाल दे तो क्या हो जाएगा देखिए यहां पे अगर आपने टू को कॉमन निकाल लिया तो वो बन जाएगा टू टू दावर एन इस फॉर्म में बन जाएगा उसके अंदर क्या आ जाएगा वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई टू टू दावर ओके इस फॉर्म में वो चला जाएगा अब ये जो है यहां पे तो टू हो रहा है यहां पे वन टू दावर एन भी है यहां पे टू हो रहा है बट यहां पे वन प्लस थ्री अपॉन टू टू दावर एन ओके यस टू दावर वन बाई एन ओके तो यहां पे आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है आपको इंफिनिटी टू दावर जीरो है ये किस फॉर्म में चला जाता है इन्फिनिटी टू दी पावर जीरो फिर से आपको येल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके उसके पहले आपको लॉग लेना पड़ेगा उसके बाद आपको येल हॉस्पिटल रूल यूज करना है और उसके बाद आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा ओके तो प्रोसीजर और लेंदी बन जाती है बट उससे बेटर है जब भी आपको ऐसे टू टू दी पावर थ्री टू दी पावर ऐसे कॉन्स्टेंट टू दी पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको फंक्शन मिलते हैं सिक्वेंसेस मिलती है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है

थ्री को कॉमन ले लिया तो टू अप थ्री टू दी पावर इन भी करना पड़ेगा और ये जो क्वांटिटी है वो मेरी लेस देन वन बन गई और उससे क्या बन गया मेरा उसका लिमिट इजीली जीरो बन जाता है तो मुझे वन टू दी पावर इनफिनिटी फॉर्म मिल जाता है और इस फॉर्मूला का इस फॉर्म का मेरा डायरेक्टली मेरे पास रिजल्ट भी है तो इस वजह से मैंने ये फॉर्मूला यूज करने के लिए थ्री को कॉमन निकाल दिया ओके वेरी गुड इवनिंग बसंत नाथ वेरी गुड इवनिंग पिंटू कुमार सैनी वेरी गुड इवनिंग वेलकम चलिए सो so, जल्दी से पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो चुका है आप भी देख लीजिए सो so, बी एन हमारा ये है ओके okay, अब यसियन वियर वाई यशियन यसियन इज वन अपॉन एन तो एन का जो लिमिट है हमारा ए एन का लिमिट हमारा आ चुका है एन का लिमिट क्या आ गया हमारा थ्री आ गया तो वन अपॉन ए एन का लिमिट लिमिट टू इंफिनिटी वन अपॉन एन इज वन बाय ट लिमिट यन टेंस टू इन्फिनिटी ओके स्मॉलेस्ट पॉइंट ऑफ मैथामेटिक्स कोशिज यंत्र स्मोलेस्ट पॉइंट मैथामेटिक्स कोशीज रूट टेस्ट जो है वो हमें सीरीज जो सीरीज है ना वो सीरीज का कॉन्वर्जेंस चेक करना है बट यहाँ पे हमें सीरीज की बजाय वहां पर डिनोमिनेटर में सॉरी पावर नंबर में हमें यन भी दिया है साथ में तो आपको वहां पे उसका भी ध्यान रखना होगा कि आपके पास सिर्फ यह यथ पार्शियल सम नहीं जिसके आप इन जनरल सीरीज लिख सके आपको नुमरेटर में यही है ओके सो वन अपॉन ए एन मेरा यस एन है तो यस एन का लिमिट आ गए मेरा वन बाय थ्री ओके सो लिमिट ऑफ बी एन इज सेम एज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट ऑफ बी इज सेम एज लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी वन डिवाइडेड बाय एस प्लस एस

लिमिट को अंदर डाल दिया डिनोमेटर में डायरेक्टली ले लिया ओके okay? न्यूमरेटर में भी लिमिट ले सकता हूं मैं लिमिट टू तो उसका लिमिट तो वन आ जाता है बट ये कब होता है जिसको हम इग्नोर कभी कभी करके चलते हैं अल्जेब्रा ऑफ सिक्वेंस में भी क्या है कि आपको ए एन अपॉन बी एन का लिमिट अगर निकालना है तो आप जो रिस्पेक्टिव लिमिट ऑफ एन अपॉन बी एन सेम एज लिमिट ऑफ एन अपॉन लिमिट ऑफ बी एन आप कब कर सकते हैं जब आपका बी एन का लिमिट नॉन जीरो पे मेरे इस इस टर्म का लिमिट नॉन जीरो है वजह से मैंने वहां पे लिमिट डाल दिया नहीं तो मैं लिमिट नहीं डाल सकता डायरेक्ट ओके? ओके क्लियर है सो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा द तो फाइनल आंसर विल बी बी ऑप्शन जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा और उसका मेथड भी सिर्फ आंसर नहीं चाहिए हमें डिस्कशन करना है तो यहाँ पे आंसर की हम रिलीज करने नहीं आए हम डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके उसका डिस्कशन करके उसको सॉल्व करने वाले हैं तो क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें हमें कार्डिनेलिटी फाइंड करनी है सेट की सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन यफ फ्रॉम डोमेन क्या है हमारा क्लोज जीरो वन टू आर सच दैट दैट फंक्शन मस्ट सैटिस्फाइड धिस कंडीशन दैट इज कैपिटल योट ऑल फंक्शन सच दैट यफ इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज जीरो वन टू आर सच दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन यफ ऑफ एक्स इंटू वन माइनस यस ट्री एंड जनरल जो सिलेबस में है वो नहीं पड़ा है क्या इंटीग्रेटेड पीएचडी को कंपल्सरी होगा ज्योमेट्री एंड जनरल के क्वेश्चन करना या नहीं मीन्स पी एच डी एंड पी एच डी के सिलेबस ओके देखिए मोटिवेशन आपने अप्लाइड इंटीग्रेट आई थिंक आपकी बीएससी कंप्लीट हो चुकी है और आपने इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और जैसे कि अगर आपको ज्योमेट्री एंड जनरल का जो भी सिलेबस है उसके बारे में आपने आई थिंक स्टडी नहीं किया है ओके जितना आपने टाइप करके पूछा है क्वेश्चन उससे ये पहले एक बात तो क्लियर है कि आपने ज्योमेट्री एंड जनरल का सिलेबस नहीं पढ़ा है तो आप पूछ रहे हो कि ज्योमेट्री एंड जनरल के क्वेश्चन करना जरूरी है या नहीं तो देखिए आपका जो पी जो भी क्वेश्चन पेपर होगी जो मैंने पहले भी बताया है एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए पीएचडी के लिए सिलेबस भी सेम है क्वेश्चन पेपर भी सेम है जस्ट कट ऑफ की रेंज चेंज होगी ये बात पहली दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके सिलेबस में एटी फाइव परसेंट सिलेबस जो है वो एनालिसिस एंड अल्जेब्रा का एटी फाइव परसेंट जो ज्योमेट्री एंड जनरल के क्वेश्चन है वो टोटल मिला के जो अगर आपके फोर्टी क्वेश्चन है तो आई थिंक सिर्फ तीन चार क्वेश्चन ऐसे है जो ज्योमेट्री एंड जनरल से आए हैं ओके तो इनफैक्ट मेट्रिक स्पेसेस आप मेट्रिक स्पेसेस को अच्छे से आपको करना होगा बिकॉज अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी करनी है आपको एनालिसिस वहां पे जाके अगर आप बोल देते हो कि मेरा एनालिसिस अच्छा है इंटरव्यू के लिए तो आपको वहां पे मेट्रिक स्पेस के और टॉपोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आप अल्जेब्रा एंड यस आप आपका जो क्वेश्चन है आप किप कर सकते हो इन टॉपिक्स को सॉरी जो आपने बोले हैं जनरल एंड ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को उसको आप स्किप कर सकते हो बट एनालिसिस एंड अल्जेब्रा को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा ओके सो हेलो वेरी गुड इवनिंग पल्लवी जी ओके स्टैंड अप मोटिवेशन थैंक यू ओके टेकिंग वन बाय फोर इन द इंटीग्रांड एंड रिराइटिंग द इन वेरी गुड वेरी गुड संजीत पत्रा वेरी गुड रिमान इंटीग्रेशन इज नॉटेटिव फंक्शनल सो द इंटीग्रेशन इज इफ आई नोट लिफ इंटीग्रेटिंग जी ने दिया है वेरी गुड यस वेरी गुड सो कार्ड इज वन करेक्ट लेट यर फिजिकल्स टू सी एंड इफ एफ ग्रेटर इक्वल जीरो इम्प्लाइज यल इक्वल टू जीरो Inte uh, शिक्षा जी शिक्षा चौहान अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ रहा है दैट मीन की आपका फंक्शन जीरो है दैट कि आपका फंक्शन ऑलमोस्ट एवरीवेयर जीरो है, ये थोड़ा सा रिमांड इंटीग्रेशन मेजर थ्री का ये पार्ट है कि अगर आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स किसी इंटरवल पे जीरो आ रहा है दिस इंप्लाइज दैट एफ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो यू कैन सेफ इज जीरोबल एंड ओके बोल सकते फंक्शन जीरो आगे जाके आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है दैट इज इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड दियर फॉर दैट फंशन मस्ट बी जीरो चलिए सो अभी स्टार्ट करते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सो so, जैसे कि संजीव जी ने आंसर बताई दिया है तो

इलेवन ट्वेल्थ की भी नहीं बोलूंगा उसके भी पहले की कंसेप्ट है आ, 9, टेंथ की क्लास की कि कोई भी आपको फॉलम मिलती है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करना है माइनस को कॉमन लीजिए माइनस ये ओके तो इसको क्या करना होगा पीछे से मैज माइनस यफ ऑफ एक्स स्क् माइनस यफ ऑप एक्स प्लस वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर ओके माइनस इन ट ऑफ एक्स स्क्स प्लस करने के लिए क्या करना होता है हमे? जो हमारा सपोज यहाँ पे कोई पेशेंट हम वन लेके चलते हैं बिकॉज हमारा कोई पेशेंट भी वन है तो so इस फॉर्म में अगर आपकी प्रॉब्लम है equation, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे करते हैं एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉन टू स्क्वायर ओके प्लस सॉरी यस प्लस सी माइनस बी अपॉइन टू स्क्स टू जीरो प्लस सी माइनस बी अपॉन टू स्क्स फॉर्म में उसको करना पड़ता है जस्ट जो भी क्विपिशेंट है उसको डिवाइडेड बाई टू कर लो और उसका स्क्वायर जो भी होगा उसको एड एंड सपरेट कर देके सो okay? so, यहां पर क्या बन जाएगा फिर कोई है मेरा वन सो so वन को मैंने टू से डिवाइड कर लिया टू बन गया और वन बाय टू का स्क्वाय फोर सो यस वन हाफ बिकॉज इन सो यस वन हाफ स्क्वेयर माइनस वन बाय फोर विच इज सेम एज माइनस ये हाफ होल स्क्वायर प्लस वन बाय फोर ओके इंटीग्रेशन लेतेट वन इंटीग्रेशन जीरो टू वन माइनस वन हाफ होल स्क्वायर प्लस वन बाय फोर ओके एंड वी हैव गिवन दैट इंटीग्रेशन इज वन बाय फोर सो माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू वन याइनस वन हाफ टू दी पावर टू डी एक्स प्लस वन बाई फोर इंटीग्रेशन जीरो पावर टू ओके फर्ड प्रसाद ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगी सर देखिए फर्स्ट फट फर्स जी प्रसाद जी आ, अभी जो कोविड का टाइम चल रहा है तो होपफुली जल्दी वो जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ जाए और जब भी ऑफलाइन क्लासेस को परमिशन मिल जाएगी तो उसी टाइम पे आपको हमारे यहीं पे आईएफएस मैथ एस या फिर जो भी आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी हमने आपने फॉलो किया है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हमारी जो ऑफलाइन की जो बैच है वो कब स्टार्ट हो रही है ओके okay, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अभी तक हमारी ऑफलाइन अगर आप चाहते हो तो आप ऑनलाइन बैच में भी एडमिशन ले सकते हो और अगर आपको ऑफलाइन ही आके आप यहाँ पे आके पढ़ना है तो आप तब तक हमारे आई एफ एस मैच के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे रहिए जो भी बेसिक्स कंसेप्ट से अच्छे से पढ़ के आइए और यहाँ पे आके एडवांस में और बातें सीखिए ओके तो अभी तो जो भी आपका स्टडी है रेगुलरली रखिए जब भी ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट होने को परमिशन मिल जाएगी हमारे ऑफलाइन बैचेस जरूर स्टार्ट हो जाएगी ओके चलिए सो योप एक्स माइनस वन हाफ होल स्क्स प्लस वन बाय फोर एंड वन इंटू डी क्या जाएगा एक्स अपर लिमिट वन लोअर लिमिट जीरो दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन जीरो सो ये भी चला गया माइनस साइन आई कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय नेगेटिव साइन तो यहां पे क्या है यनस वन हाफ स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल जीरो फॉर ऑल फॉर ऑल व्हाट फॉर ऑल क्या है यस yes, यस yes, प्रसाद जी आप अपना स्टडी कंटिन्यू रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी जो जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं जरूर क्वालिफाई हो जाएगी ओके okay? ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटी छोटी मिस्टेक्स की हमारा जो डोमेन दिया है यहां पे मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकता कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आरनिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज जीरो सो दे इंटीग्रेशन जीरो टू वन एफ ऑफ एक्स माइनस वन हाफ इंटू डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इज जीरो मीनिंग क्या होता है दिस इंप्लाइज दैट उंटेबल तो हो, हो जाएगीउंटेबल okay, से ज्यादा नहीं होगी सो यह कंडीशन है दिस इंप्लाइज दैट याइनस वन हाफ इज आइडेंटिकली इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू वन बट वट इज उगी वन यंटिन्यूस इंप्लाइज दैट यो कंटिन्यूस एंड इंप्लाइज दैट अगर वो कंटिन्यूअस है तो उसकी डिसकंटिन्यूटी होगी ही नहीं दियर फॉर माइ यक्वल टू वन हाफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो जो फंक्शन आता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो सिर्फ एक ही फंक्शन होगा वो दो फंक्शन नहीं होती सो कार्डिनेटी क्या बन जाएगी उस सेट की कार्डिनेटी मस्ट बी इक्वल्स टू वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए दिस इज अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यफ फ्रॉम आर टू आर हमें दिया है ओके okay, प्रियंका जी गेट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस कट ऑफ की वीडियो जल्दी आप तक मिल जाएगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी कल तक होपफुली चलिए अभी टीएफआर का टाइम है देखिए कट ऑफ का अभी कोई टेंशन मत लीजिए बिकॉज एग्जाम भी हो चुकी है और रिजल्ट भी स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स की आ चुकी है तो जो कट ऑफ लगना है वो तो लगना ही है बट अभी कॉन्सेंट्रेट कीजिए संडे के टी एफ आर के एग्जाम पे ओके और जो भी आज हमारे देखिए ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ टी एफ आर के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस क्वेश्चन की लेवल भी बहुत अच्छी है बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बनाया है तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो तो यहां पे क्या दिया है एक्स टू दावर पी साइन ऑफ वन अपॉन एक्स टू दावर क्यू एंड जीरो इन जनरल जो फॉर्म्स है इन फॉर्म को कंफर्म कर लीजिए जो भी है कि ये फंक्शन ये इस टाइप के जो फंक्शंस है वो कंटिन्यूस कब हो गए वो डिफ्रेंशियबल कब हो गए उसकी जो डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस कब होगी ये फंक्शंस रिमांड इंटीग्रेबल कब होंगे ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन कब हो गए ओके इन जनरल आप इसका इन जनरल पी एंड क्यू के लिए स्टेटमेंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आपके पास वो स्टेटमेंट ऑलरेडी होगा तो ये जो है उसके लिए आपको सिर्फ टेन टू फिफ्टीन सेकेंड ही लगेंगे ओके okay, दिमान जी बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट दैट मीन्स इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन यस वी हैव टू फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट सो यफ इज अ सर्जेक्टिव फंक्शन वेरी गुड तो चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं पहले हम बाउंडेडनेस देख लेते हैं डेरिविटिव देख लेते हैं एंड फाइनाइट सेट भी देख लेते हैं ओके okay, अब पल्लवी जी बोल रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशियबल है ओके okay, की भी हम चेक कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो so, फंक्शन क्या है ऑप्शन सी डेविट ऑफ यंटिन्यूस ऑन आर ओके संजीत जी आपने okay, आप जो लास्ट एग्जाम्पल किया था मुझे बहुत पसंद आया जो वे आपने यूज किया था तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार चेक कर लीजिए फिर से जो आपने आंसर दिया उसको एक बार चेक कर लीजिए कि देखिए यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां पे दिया है एमसीक्यू क्वेश्चन तो एक ही आंसर करेक्ट है इसका भी आप यूज कर सकते होट एक्स स्क्स विच इज सेम एज लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स इंटू देखिए साइन वन बाई एक्स डिडेड बाई वन बाय

अगर आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला है तो आप उससे भी कर सकते हो इसको मैंने क्यों किया जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए कि किया और ये लिमिट मैंने ले लिया सो वॉट इज दिस एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस विल बीवल टू इन्फिनिटी इन टू साइन टी अपॉन टी इसका लिमिट क्या है वन है यस संजीत जी सो एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी यफ ऑफ एक्स क्या है एक्स टेंड्स टू तो इन्फिनिटी यफ ऑफ एक्स जा रहा है इन्फिनिटी को सो ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड फंक्शन नहीं है ओके सो बाउंडेड तो नहीं है नेक्स्ट क्या है यफ डेरिविट ऑफ यज एक्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूस ऑन आर ओके सो डेरिविटिव एक्जिस्ट है या नहीं ये चेक करना और उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो सेकंड ऑप्शन सॉरी थर्ड ऑप्शन लिमिट दैट इज ओके सो यस लिमिट यच टेंस टू जीरो अब जो डेरिवेटिव देखिए ये भी यूजली हमेशा करते हैं बट स्टूडेंट्स uh, को मे भी पता हो गया नहीं मुझे पता नहीं बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि जो डेरिवेटिव है वो अब मैं डायरेक्टली यूजली क्या करूँगा यस टेंस टू जीरो या फॉब जीरो प्लस यच माइनस जीरो मैं डायरेक्टली जाता हूँ जीरो को चेक करने की ओके बट यूजली मैं जीरो को ही क्यों जाता हूँ बिकॉज ये जो फंक्शन है वो फंक्शन देख के पता चलता है ये जो फंक्शन है वो देख के पता चलता है कि अगर मेरा एक्स जीरो नहीं है तो उस केस में यह फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस भी होगा डिफरेंशियबल भी होगा वेरी गुड इवनिंग अविनाश जी हैप्पी टू सी यर ओके पल्लवी जी आप एक बार मुझे बता दीजिए कि कौन सा क्या ऑप्शन बी के लिए जो हमने बाउंडेडनेस चेक की है उसके लिए रिपीट करना है अगर वो है तो हम चेक कर लेंगे ओके okay, तो जो जैसा कि मैं बोल रहा था डेरिवेटिव जो चेक करेंगे हम वो सिर्फ जीरो के ऊपर चेक करेंगे बिकॉज अगर जीरो नहीं होगा एक्स तो बाकी सारे के ऊपर यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस भी है डिफ्रेंशियबल भी है वो इजिली हम देख के बता सकते बट जो प्रॉब्लम फेस हो सकती है पॉसिबल है वो जीरो पे है तो जो भी हम चेक करेंगे वो जीरो के अकॉर्डिंग चेक करेंगे ओके सो लिमिट एच टेंस टू जीरो जीरो प्लस यच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन यच विच इज सेम एज लिमिट एच टेंस टू जीरो बाउंडेड हमें चेक करना है कि बाउंडेड है या नहीं तो फंक्शन जब भी बाउंडेड होता है डायग्रामेटिकली भी आप देख लीजिए कहीं पर भी देख लीजिए जब भी आपका फंक्शन फॉर एग्जाम्पल साइन एस बाउंडेड फंक्शन है तो जब फंक्शन बाउंडेड है उस केस में क्या होता है ये फंक्शन कभी भी इन्फिनिटी को जाएगा ही नहीं यस yes, अगर आपको चेक करना है जी तो जस्ट यही चेक करना है कि जो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है वहां पे फंक्शन डिफ्रेंशियबल होगा या नहीं बिकॉज बाकी देखिए एक्स स्क्र इंटू साइन ऑफ वन बाय एक्स ये जो फंक्शन है वो प्रॉब्लम सिर्फ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स है तो जब डिनोमिनेटर में हमारा जीरो होता है उसी टाइम पे वो फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर वेल well डिफाइंड नहीं होता या फिर डिफाइंड नहीं होता और उसके लिए हमने फंक्शन को अलग से डिफाइन किया था एक्स इज टू जीरो के लिए या फॉप एक्स को अलग से डिफाइन किया गया और जब मेरा एक्स जीरो नहीं होगा तो तो यहाँ से कंडीशन क्या बनती है कि जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ जीरो पे है बाकी के टाइम पे तो फंक्शन यही यही फंक्शन हमें यूज करना है जो कि कंटिन्यूअस भी होगा जो डिफरेंशियबल भी होगा तो जो प्रॉब्लम हो सकती है वो सिर्फ जीरो पे हो सकती है तो इस वजह से हमें क्या करना है जीरो के ऊपर उसकी डिफरेंशियाबिलिटी चेक करनी है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है जो हेल्प ऑफ लिमिट डेफिनेशन उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा नहीं ये चेक करना है बस ओके हाँ पल्लवी जी पूछ रही थी कि वो रिपीट करना देखिए जो फंक्शन बाउंडेड है उसको मैं एक्स को बढ़ा दू कम कर दू या फिर बीच वाला कोई फाइनाइट वैल्यू ले लू मेरा ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं बीच में रहता है मेरा जो ग्राफ है वो बीच में रहता है बट अगर पॉसिबल अगर ऐसा हुआ कि अगर मेरा ग्राफ अगर मैंने एक्स इन्फिनिटी को लेके गया और मेरा ग्राफ भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को जा रहा है तो वो ये होगा हो ना कि वो फंक्शन बाउंड नहीं हो रहा है कहीं तो यही हमने चेक किया एक्सटेंस टू तो इन्फिनिटी को लेके गया और उसके ग्राफ देखे यस वेरी गुड यू गॉट इट चलिए सो एक्स को मुझे क्या करना था रिप्लेस करना था एच से सो so यह फंक्शन क्या आ जाएगा यच स्क्वायर सॉरी वी है लिमिट फर्स्ट लिमिट एच टेंस टू जीरो यच स्क्वायर इंटू साइन ऑफ वन बाई एच माइनस ओके सो मेरा ये योपीएच बन गया ओके okay, मेरा ये यफ ऑपीएच बन गया उसके बाद क्या है जो ऑफ जीरो, ओके यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की तरफ भी जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफ़ ऑफ जीरो बन जाएगा टेंड्स टू जीरो कैंसिल हो जाएगा यच इंटू साइन वन बाई एच और इसका भी लिमिट सबको पता है वो क्या है जीरो है, ओके, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर अब डिफरेंशिएबल है या नहीं सो यवल टू एक्स साइन वन बाय एक्स एंड दिस इंप्लाइज दैट यब डैश ऑफ एक्स वो क्या लेंगे आप फॉर नॉन जीरो एक्स ओके सो फॉर यब डैश ऑफ एक्स क्या लेंगे दैट विल बी We have to use product rule. So derivative of x square will be twice x into sine of 1 by x plus x square into derivative of sine 1 by x. That is cos 1 by x into derivative of cos 1 by x that is minus 1 upon x square. X square x square get cancelled, that is same as twice x, that is same as twice x into sine 1 by x minus cos of 1 by x. And if I am going to find this.

और अलग वे से बता देता हूं कि देखिए यहाँ पे आपको दो कंडीशन है इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो सेट में चला गया ओके तो इफ एक्स इज नॉट जीरो दिस इंप्लाइज दैट साइन ऑफ वन बाय एक्स इज जीरो एंड साइन वन बाय एक्स इज जीरो मीनिंग क्या हो वन बाय एक्स क्या बन जाता है एन पाई बन जाता है तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाती है वन अपॉन एन एंड दिस इज

वो इन्फाइनेटली मीनिंग है तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड होगा तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है सॉरी लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है यजेक्टिव उसको आप ग्राफिकली भी दे सकते हो देख सकते हो जो ग्राफ है वो क्या बन जाता है वो, जो जो वो सर्जेक्टिव बन जाएगा ओके क्लियर है सबको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते अब अगेन वेरी इस टाइप के एग्जांपल्स नेट में भी आ चुके हैं तो इस क्वेश्चंस को भी आई होप सबको अच्छे से सॉल्व होना चाहिए बिकॉज अब यहां पे क्या है हमारे पास कंडीशन क्या है इज लेस इक्वल मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू साइन ऑफ मॉड ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस यहां से क्या बन सकता है मॉड ऑफ ये माइनस ऑफ वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस इक्वल साइन ऑफ एक्स माइनस वाई देर इज मॉड अगेन देर इज अगेन मॉड सो अब यहां पर क्या कर सकते हैं हम ये कंडीशन हमें दी है और हमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फर्स्ट है कि कंटिन्यूअस है बट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं है सेकेंड है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है <laughs> थर्ड है डिफ्रेंशियबल है बट डेरिवेटिव कंटिन्यूस नहीं है एंड जो लास्ट है वो है कि कांस्टेंट है, ओके सो यहां पे क्या है वी हैव देयर फॉर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज लेस इक्वल मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अब इसके आगे की स्टेप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि इसके आगे हमें क्या करना है हमारे पास कंडीशन वो जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में आ चुका है विच ऑफ फॉर्म यफ ऑफ एक्स माइनस यफ ऑफ ये अपॉन एक्स माइनस वाई और ये कहाँ पे होता है दिस इज ट्रू वॉट फॉर ऑल एक्सकॉमा वाई ओके मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई सॉरी साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस इक्वल ओके देखिए संजीत जी साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जो होता है दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई होता है राइट साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस दैन ऑर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई सो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस दैन कोई प्रॉब्लम नहीं है करेक्ट है तो ओके 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 लिप्सिस फंक्शन और देखिए एक अलग अलग मेथड से बिकॉज मैं अभी जो मेथड बताने वाला हूं वो और थोड़ी सी अलग मेथड है अब मैं यहां पे यूज करूंगा डिफरेंशियाबिलिटी का कैसे यूज करूंगा डिफरेंशियाबिलिटी का मुझे पता है डिफरेंशियाबिलिटी में क्या होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी X C X C is what? That is my तो मैं कोई भी एक्स ले लू मैं कोई भी वाई ले लू वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है मेरे लिए वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है ओके okay? वो मैं डिपेंड ले लू या फिर इंडिपेंडेंट एक्स वाई ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं बिकॉज उन्होंने बोला है कि आप कोई भी एक्स ले लो आप कोई भी वाई ले लो ये कंडीशन वो सैटिस्फाई कर देंगे तो अब ये मेरे पास चॉइस है कि मैं कौन से ले लू और मुझे क्या पता है एक्स एक्स सी एक्स सी, अगर मैं एक्स सी को लेके जाता हूं तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है बन जाती है तो यहां पे क्या करूंगा मैं आई विल टेक वाई टेंड्स टू एक्स मैं अब वाई को लेके जाता हूं एक्स की तरफ मैं अब क्या करता हूं और यू कैन टेक वाई कोई भी ले लो आप ओके सो so, वाई को मैं x की तरफ लेके जाता जिससे uh, संजीत जी ने बोला है कि लेस देन आप यहां पे ऐसा भी कर सकते हो विच इज लेस इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई और इजी बन जाएगा बट स्टेप ऐड करनी होगी मॉड ऑफ ऑफ एक्स माइनस वाई लेस इक्वल लिमिट वाई टेंड्स टू एक्स साइन ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस वाई तो ये क्या बन गया सिंपली रिप्लेस करना को x की तरफ एंड एक्स को c की तरफ ओके सो दिस वन विल बी यैश ऑफ एक्स

बट एक्स पे मैंने कोई कंडीशन नहीं दी है मैं अगर बोलता हूं एक्स मेरा हंड्रेड है तो वाई को वाई में लेके चलूंगा हंड्रेड को कंडीशन दिया जा रहा हूं अप्रोक्सीमेटली यहां पे बहुत क्लोज ले आए तो मैं नाइन 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 को लेके जाऊंगा ओके तो जो भी अप्रोच है मैं वाई को x की तरफ लेके जा रहा हूं बट x पे कोई कंडीशन नहीं चेंज होता रहेगा तो टू आवर एंड हि मॉड सो वी टू टेक इट्स मॉड राइट अगर अगर मेरा यहाँ पे मॉड नहीं होता तो वो कंडीशन बन जातीस टू जीरो तो इसके बाद में ये बिल्कुल नहीं लिख सकता था किस इज आइडेंटिकलीवल टू जीरो बिकॉज पॉसिबल है कि मेरा यब डैश ऑफ एक्स जो है वो टोटली totally निगेटिव बन, जा, बन जाए माइनस थ्री माइनस फोर बन जाए बट यहाँ पे मॉड है

कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशियबल भी होता है कांस्टेंट फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होता है तो एक ही ऑप्शन रहता है दैट दैट इज इज माय ऑप्शन ऑप्शन डी कांस्टेंट फंक्शन ओके अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर आप जल्दी से अभी इसको सॉल्व करने का ट्राई कर लीजिए क्या आंसर आएगा इसका सी हमें सेट दिया है सारे वो फंक्शंस जो आर टू आर में आप हो रहे हैं आर टू आर फंक्शन मैप्स हो रहे हैं ओके okay, जुबी जी पूछ रही सर ये कैसे कंसीडर किया लिमिट वाई टेंड्स टू एक्स देखिए यहाँ पे यस yes, उन्होंने ऐसी कोई कंडीशन दिए नहीं है कहीं पे भी नहीं कहा कि डेरिवेटिव कहीं पे ऐसा नहीं कहा है कि वो जो एक्स को अप्रोच अप्रोच करना है वाई के ऊपर बट उनकी एक ही कंडीशन है जो हमारे लिए बहुत अच्छी है कि उन्होंने एक्स एंड वाई पे कोई कंडीशन नहीं रखी है उन्होंने उसके केस में डायरेक्टली ऐसा बोल दिया है कि जाओ आपको जो एक्स लेना है वो एक्स ले लो आपको जो वाई लेना है वो ले लो ओके okay? बिकॉज वो कंडीशन फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर जो एक्स आप चाहते हो उसको ले लो जो वाई आप चाहते हो उसको ले लो अब मैंने यही क्यों लिया तो या फिर कोई और भी लेता तो यही क्यों लेता ओके okay, वो एक कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करने का एक अप्रोच रहता है और वो एनालिसिस या फिर उसके स्टडी के उसके प्रैक्टिस के बाद हो जाता है ओके okay, यस yes, इन्होंने ये कंडीशन हमें ये यूज होगा इसलिए दी है ये बात हमें जब भी आप इस कोई भी एग्जाम्पल हो जब आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हो उनका जो अप्रोच रहता है वो आपको पहले समझना होगा कि उन्होंने जो कंडीशन दी है वो किस वजह से दी है तब जाके आप जो एक्चुअल में जो एग्जाम्पल सॉल्व करने की जो मेथड है वहां तक पहुंच सकते हो उन्होंने कोई भी कंडीशन बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि यस ये कोई नेसेसरी नहीं है फिर भी उन्होंने दे दिया बहुत रेयर केस होती है वो कभी कभी सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डालते हैं बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि यस ये इसकी कोई जरूरत नहीं पूरे एग्जांपल में फिर भी उन्होंने दे दिया उन्होंने जो भी दिया है उसकी कोई ना कोई वजह होती है कि यस इसको, हमें, कही कही इसको कहीं कही हमें कहीं ना कहीं यूज करना है इसको कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं वहां पे एग्जाम्पल में किसी ना किसी स्टेप में यूज करना है या फिर कहीं ना कहीं ये देख के हमें वो अप्रोच समझ में आ जाना चाहिए ये होता है एग्जाम्पल सॉल्व करना आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल लेके ऊपर वाली स्टेप से नीचे वाली स्टेप तक ये जो रहता है स्टूडेंट का कि यस मैथमेटिक्स में हमें ऊपर वाली स्टेप से नीचे वाली स्टेप में लेके आना पड़ता है और वहीं से एग्जाम्पल सॉल्व करते करते नीचे चलना पड़ता है यह नहीं होता क्योंकि हम मैथमेटिक्स हम प्योर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशलाइजेशन हमारा मैथमेटिक्स है हम टेंथ इलेवंथ की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे अभी तो जो भी दिया है वो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन सबको हमें कहीं ना कहीं यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पे उन्होंने जो कंडीशन दी है वो कंडीशन यहाँ पे देखिए इसको अगर आप नीचे लेके आते हो तो जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है उसको वहां पे हम यूज कर सकते हैं ना और वो यूज भी तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक्स एंड सी पे कोई कंडीशन ना हो बिकॉज इसको कब यूज करेंगे जब मैं सी की तरफ लेके जाऊंगा तभी मैं इसको यूज कर सकता हूं अदरवाइज मैं तो इसको यूज ही नहीं कर सकता अगर उन्होंने एग्जांपल में ऐसा बोला होता कि यस ये चलो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है एक्स एंड वाई बिलोंग टू आर लिए बट हमारा एक्स एंड वाई का जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर देन टू फाइव कुछ भी हो ऐसी और इन्होंने कोई कंडीशन दी होगी कि नहीं मेरा एक्स एंड वाई जो है उनका डिस्टेंस मुझे क्लोज नहीं लेके जाना है मुझे उनको बड़ा वाला डिस्टेंस लेके चलना है तो उस केस में ये मैं यूज ही नहीं कर सकता बिकॉज मेरा एक्स तो चल रहा है सी की तरफ और वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएंगे पूरे तो ये कंडीशन वहां पर यूज़ नहीं कर सकते बट जैसे कि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दिया है तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ तो इसी वजह से मैंने वो क्या किया वाई को लेके गया एक्स की तरफ जिससे मेरा ये जो टर्म होगी इसका लिमिट मेरा डेरिवेटिव बन जाता ओके okay, तो ये अप्रोच होता है एग्जांपल को सॉल्व करना जो समझना बहुत कोई एग्जांपल सॉल्व करते समय एग्जांपल की अप्रोच की तरफ देखिए एग्जांपल जिस मेथड से सॉल्व हो सकता है उस मेथड की तरफ देखिए ओके चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जहां पे हमें फंक्शंस का सेट दिया है कोई डिफिकल्ट नहीं दिया है यस yes, बिल्कुल बिल्कुल ये पर्टिकुलर केस है यस yes, जुबी जी अह वाई टेंस टू एक्स ये यूनिवर्सल नहीं होगा बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं होगा ये बट जो लॉजिक्स रहता है मैथमेटिक्स में जो मैं आपको अभी बता देता हूं कि देखिए उन्होंने ऐसा बोला है कि सारे के सारे एक्स वाई के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी उन्होंने क्या बोला है उनका स्टेटमेंट क्या है सारे के सारे एक्स वाई के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी तो जो मैं एक्स वाई लूंगा उसके लिए भी उसको ट्रू होना पड़ेगा अगर उसके लिए ट्रू नहीं होता तो फिर पॉसिबल ही नहीं राइट right. अगर उसके लिए उनकी कंडीशन क्या उनकी कंडीशन ये है कि सारे के सारे एक्स वाई के लिए इसको ट्रू होना ही होगा तो जो कंडीशन मैं एक्स वाई को देता हूं उसके लिए भी ये ट्रू करना पड़ेगा अगर आप और कोई कंडीशन दोगे आप और कोई कंडीशन दे दो उसके लिए भी इसको ट्रू होना पड़ेगा ओके तो इसी के लिए उन्होंने एक्स से कंडीशन से हटा दिए सब कुछ नहीं रखा एक्स के ऊपर कि आप चाहे जो भी एक्स वाले लो ये उसको सेटिस्फाई कर देंगे ऐसा उन्होंने बोल दिया तो आपको जिस वे से अप्रोच करना है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके तो जस्ट यस यूनिवर्सल वो बात तो डेफिनेटली नहीं है वो एक पर्टिकुलर केस है और वो केस भी इसी वजह से लिए है इनफैक्ट वही केस क्यों ली बिकॉज उन्होंने जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को देख के पता चलता है कि यहां पे मॉड ऑफ ऑफ एक्स माइनस ये ऑफ वाई है एंड यहां पे एक्स माइनस वा है तो जैसे कि मैं एक्स वाई को एक्स माइनस वाई को नीचे लेके आऊंगा वहां पे मेरी डेरिवेटिव की जो फंक्शन जो चाहिए फॉर्मूला में जो चाहिए वो बन रहा है जो डेरिवेटिव में मुझे चाहिए वो फॉर्मूला बन रहा है यस yes, ये जो है कंडीशन वो हमने एक के लिए ट्रू की है राइट right? बट ये कंडीशन क्या हो रही है एक के लिए ट्रू की है और वो जो एक है वो एक कंडीशन ही हमारे तीन ऑप्शन डिस्कार्ड कर रहे हैं ओके? Okay? ये जो एक कंडीशन है ना एक कंडीशन जो मैंने ली है कि एक्स को अप्रोच करता हूं वाई की तरफ से तो वही कंडीशन क्या कर रही है हमें लेके जा रही है कांस्टेंट फंक्शन तक और वही कंडीशन हमारे बाकी तीन ऑप्शन देखिए ये जो एग्जांपल्स जो बनते हैं या फिर जो एग्जांपल्स आपको पेपर्स में आते हैं ऐसा नहीं है कि पूरा आर्बिट्री होता है उसमें उसमें भी पर्टिकुलर जो अप्रोच उनका होगा वो अप्रोच भी यही होगा ओके okay? वो जो उनका जो अप्रोच है ना वो सॉल्व करने का ये होगा तब जाके वो एग्जांपल इस फॉर्म से बना होगा ओके पर्टिकुलर केस के मतलब आप कुछ बता सकते हो थोड़ा सा डिटेल में ताकि मैं उसको समझ सकूं ओके okay, मानस आप एक बार जो भी हमारा कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस कॉन्टैक्ट नंबर पे एक बार कॉन्टैक्ट करके जो भी आपकी क्यूरी है जो भी आप चाहते हो उसको एक बार पूछ सकते हो ओके okay, बाकी स्टूडेंट्स तब तक हमारा आगे वाला एग्जाम्पल सॉल्व करें आई थिंक यस संजीत ने आंसर भी भेजा है कि इफ बोथ द लिमिट्स एंड यब डैश ऑफ एक्जिस्ट एट इन्फिनिटी देन लिमिट यक्स इज इक्व टू जीरो फॉर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कैन बी प्रूव ओके okay, देखिए इसको हम और एक मेथड से जो कि इजी है उस तरफ से चलते हैं हमारी कंडीशन क्या है टू एफ ऑफ एक्स प्लस यस yes, ये पर्टिकुलर केस है बट देखिए आप मुझे और कोई केस बता, बता दीजिए उससे हम देखिए आप जैसे मैंने पहले कहा कि एक्स माइनस वाई ग्रेटर इक्वल्स फाइव ऐसी कंडीशन लिखने जाओ तो उससे क्या होगा ना आपका एग्जाम्पल भी आगे सॉल्व नहीं होगा और वो बाकी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे यस yes, इसके बारे में तो श्योरली आप बता सकते हो कि जैसे आप बोलते हो कि आपके पास कोई जो मेथड्स आपके पास होती है फॉर एग्जांपल आपको कोई एग्जांपल आप सॉल्व कर रहे हो जिस एग्जांपल में आपके पास चार ऑप्शन है और उस चार ऑप्शन में कभी कभी आप क्या करते हो कि तीन ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देते हो और चौथे वाले को आंसर बता देते हो राइट right? उस केस में आप उसको एग्जाम में सॉल्व uh, करते हुए या फिर इससे नहीं बता सकते कि मतलब वो जो प्रूफ है उस प्रूफ को नहीं लिखेंगे आप स्ट्रेटेजी क्या आप लाएंगे वहां पर यूज करेंगे कि नहीं मुझे तीन को डिस्कार्ड कर देना और चौथा मेरा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाता है राइट right? तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के मेथड से यहां पे मैंने क्या किया कि एक कंडीशन मैंने यूज की जिस कंडीशन से मैंने तीन ऑप्शन जो है उसको डिस्कार्ड मेरे हो रहे राइट चलिए सो ये मेरा फंक्शन है टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू इस इसका लिमिट जीरो राइट तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर ले और उसके बाद हम जाएंगे उसके लिमिट्स को ओके तो यहां पे क्या है टू इन टू वाई प्लस वाई डैश इज इक्वल टू जीरो ऑब्जर तो इक्वेशन क्या आ जाएगा दैट विल बी एम प्लस टू इज इक्स टू जीरोम इज इक्वल टू माइनस टू सो यहां पर क्या बन रहा है इसका सोल्यूशन क्या बन जाएगा सी वन ई टू दी पावर माइनस टू एक्स दैट इज माईटे पर्टिकुलर केस बन रही है यह हमारी क्या बन रही है पर्टिकुलर केस बन रही है कि अगर आपका कंडीशन सॉल्व हो रहा है तो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी यफोपेक्स जो भी होगा वो क्या बन जाएगा पावर माइनस ट्वाइस एक्स इसका लिमिट होगा एंड दैट विल गोजो इनफैक्ट यू कैन टेक इन जनरल फॉर्म इन जनरल क्या यूज कर सकते आप पावर माइनस ए एक्स फॉर एनी पॉजिटिव ओके एंड इसके जो लिमिट है लिमिट एक्स टेंड्स टू सो टू टू the माइनस ए एक्स प्लस यू कैन सी माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए इ टू दी पावर माइनस एंड इसका लिमिट सो दिस लिमिट विल बी जीरो सो ये जो लिमिट है फॉर ऑल फॉर ऑल इसका लिमिट क्या आ जाता है जीरो ही आ जाता है बिकॉज वो जो फंक्शन का जो फॉर्म है वो इसी फॉर्म में चले जाते हैं ओके सो फॉर इच यल With a non-zero, there exists a function which has that limit, which is not possible. There exists f such that that limit will be equal to one half, which is also not possible. And the last one, there there exists f belongs to C such that limit of f does not exist, which is also not possible. Okay. So this will be your final answer.

कैन से एम इज इक्वल्स टू वन अपॉन एम इंटीग्रेशन जीरो टू यम लॉग ऑफ टू प्लस पी अपॉन स्कोर रूट ऑफ वन प्लस पी इन टू डी टी ओके सो ये हमारा ए एम हो गया ये क्या हो गया हमारा ए एम अब ये जो टर्म है एज इफ आई एम टेकिंग लिमिट लिमिट एम टेंस टू इंफिनिटी एम विच इज सेम एज इंटीग्रेशन जीरो टू यम लॉग ऑफ वॉट लॉग ऑफ टू प्लस टी डिडेड बाय स्क्र रूट ऑफ वन प्लस टी ओके सो स्क्र रूट ऑफ वन प्लस टी डिड बाय सो यह हमारी कंडीशन है ये हमारे पास फंक्शन है अब इस फंक्शन का हमें लिमिट फाइंड करना है तो देखिए यहाँ पे यम जो है इन्फिनिटी को जा रहा है ये जो अंदर वाली जो टर्म है ये टर्म पॉजिटिव रहेगी हमेशा तो जैसे कि मेरा यम इंफिनिटी को जा रहा है ओके okay, जैसे कि हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू यम जो होता है वो क्या होता है दैट इज दिस इज वॉट दिस इज अ ग्राफ सॉरी दिस इज दिस काउंट द एरिया जो भी फंक्शन होता है उसका उस इंटरवल में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा जीरो है यहाँ पे मेरा यम है तो जो भी इसका ग्राफ होगा इस फंक्शन का वो उसका एरिया फाइंड करता है यहां पे राइट right? अगर मेरा यम इंफिनिटी को जा रहा है दिस विल विल टू तो तो ये ये एरिया एरिया भी क्या होगा बी तो जो की जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वो भी कहां पे जाएगी इन्फिनिटी को जाती राइट सो इट इज वॉट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अगर मेरा ओके okay, ये भी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जब मेरा यम इन्फिनिटी को जाएगा तभी इसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी को जाएगा तो

यफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू एक्स जी ऑफ एक्स डी है ओके इंटीग्रल कैलकुलस में बेसिक एक रिजल्ट है ये मेरा सॉरी देर इज अ टी ओके ये अगर मेरा रिजल्ट है तो डेरिवेटिव क्या होता है इसका दैट डेरिवेटिव विल बी जी ऑफ एक्स यू कैन से फंडामेंटल थ्रॉम कैलकुलस वो भी रहता है बट इन जनरल रूल अगर लेके जाओगे तो फंडामेंटल ऑफ कैलकुलस होता है वेरिएबल वेरिएबल है, है यहाँ पे, तो पे एक्स वेरिएबल तो जस्ट टी की जगह पे रिप्लेस करना है एक्स को यहाँ पे टी की जगह पर रिप्लेस करना होगा यम को तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दैट विल बी लॉग ऑफ टू प्लस यम डिवाइडेड बाय ओके okay. यस uh, yes, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं कि यम इज डिस्क्रिट कोई प्रॉब्लम नहीं है यम बिल्कुल डिस्क्रिट है आपका ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा है कि जो यम है uh, संजीत जी बोल रहे हैं कि यम जो है देखिए जो मैंने बोला कि एरिया फाइंड करता है राइट right? जो यम होता है एट जीरो टू यम तो वो एरिया फाइंड करता है अब बात कैसी होगी और टू वन so, okay, yes, so okay, so, डाल दिया तो यहाँ पे मेरा यम आ जाएगा तो मेरा रीजन क्या बन जाएगा ये भले ही मेरा यम डिस्क्रीट है कोई प्रॉब्लम नहीं है बट रीजन तो हमारा वही होगा अब यम इज इक्वल्स टू टू आ गया रीजन बढ़ गया राइट थ्री से एम इज इक्वल्स टू थ्री आ गया डिस्क्रीट है वो डिस्क्रीट किसके लिए है सीक्वेंस के लिए डिस्क्रीट किसके लिए है सिक्वेंस के लिए एम डिस्क्रीट है बट इंटीग्रेशन में यम इज जस्ट अ नंबर यम के पिछले वाला आगे वाला मैटर नहीं करता इंटीग्रेशन के लिए वो एक अब सिर्फ एक अपर लिमिट है तो जो लिमिट्स हो वो बढ़ते रहेंगे जीरो टू वन जीरो टू टू जीरो टू थ्री अप टू जीरो टू इन्फिनिटी अगर मेरा यम इन्फिनिटी को जा रहा है तो वो रीजन बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से उसका इंटीग्रेशन इन्फिनिटी आ रहा है जैसा मेरा यम बढ़ता रहा है उसके रीजन बढ़ते रहेंगे और इसी वजह से क्या बनेंगे उसका इंटीग्रेशन जीरो पॉइंट क्लियर है संजीत जी तो इस वजह से क्या हो जाएगा वहां पे नुमरेटर में हमें जीरो मिल जाए तो क्या करना है? अब क्या करना होगा यहां पे सी की वैल्यू रिप्लेस करनी है हमें यम से सो लॉग ऑफ टू प्लस यम अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस यम राइट फंक्शन एक बार चेक करते हैं लॉग ऑफ टू प्लस एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ वन प्लस एक्स राइट डिवाइडेड बाय ओके सो बिफोर यूजिंग अ डेरिवेटिव रूल वी हैव टू चेंज इट टू ए कंटिन्यूअस वेरिएबल नो जरूरत नहीं है देखिए आप जो सोच रहे आप ये कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं कि जो यम जो आप यूज कर रहे वो सीक्वेंस का कर रहे और आप उसको देख रहे इंटीग्रेशन में मतलब आप देख क्या रहे हो कि यस आप सिर्फ यम की जगह पे वो फंक्शन की वैल्यू मत देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका ग्राफ है तो वन के लिए आप ऐसा सोच रहे होंगे कि वन के लिए यम इस, इसके लिए

फिर क्या बन जाएगा यहां पे? नोमरेटर का हमने डेरिवेटिव ले लिया डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आ जाता है सो से लिमिट अगेन यूज रूल सो लॉग ऑफ टू प्लस एम क्या बन जाएगा लिमिट यम टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग ऑफ टू प्लस एम का डेरिवेटिव क्या आता है 1 डिवाइडेड बाय स्कोर रूट ऑफ वन प्लस स्कोर रूट ऑफ वन प्लस वन अपॉन टू स्कोर रूट ऑफ वन प्लस दिस इज लिमिट, विच इज से माइनस टू माइनस टू स्कोर रूट ऑफ वन प्लस एंड देर इज अ मैक्सिम पावर यू कैन टेक अब फिर से आप यूज कर सकते हो येलो हॉस्पिटल रूल या फिर आप डिग्री को चेक करके भी लिख सकते हो उसको राइट लिमिट यम टेंस टू इंफिनिटी देर इज माइनस टू इंटू डेरिट ऑफ अपॉन स्कोरिट ऑफ टू प्लस एम दैट इज वन टू टू गेट कैंसल एंड इसका लिमिट क्या जाएगा तो इसका लिमिट क्या जाता है

कंडीशन दी जाती है और उसी के ऊपर एग्जाम्पल्स अभी तक तीन चार एग्जाम्पल इसी के ऊपर राइट right? तो यहां पर क्या बन जाएगा फिर देर विल्स माइनस एंड देर इज अग ऑफ वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई एंड इट्स ब्रैकेट स्क्वायर ओके सो यहां पर क्या आ जाएगा आप That will be, हमें करना क्या है इंजेक्टिवनेस एंड सर्जेक्टिवनेस चेक करनी तो इंजेक्टिव क्या होता है दैट इज वन 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 ओके फंक्शन है या नहीं ये चेक करना और सेकंड में सर्जेक्टिव है या नहीं ये चेक करना है है सो इंजेक्टिव के लिए क्या है? दो मेथड्स है एक्चुअली तीन चार मेथड से आप ग्राफिकली चेक कर सकते हो आप डेरेटिव लेके चेक कर सकते हो बट डेरेटिव चेक करने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन एक्चुअल फंक्शन चाहिए ग्राफिकली चेक करने के लिए भी आपको क्या चाहिए एक्चुअल फंक्शन चाहिए राइट तब जाके आप ग्राफ की तरफ से चेक कर सकते हो और तीसरी कंडीशन क्या है इन दोनों में से कोई भी यूज करके आप इंजेक्टिवनेस क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो राइट तो यहाँ पे हमें हमारे पास नॉट इक्वल्स टू अगर मैं लेता हूं तो कुछ फायदा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पेट्रैक्शन है बट इक्व लेता हूँ तो ये डायरेक्टली जीरो बन जाएंगे राइट सो यूज दिस मेथड सो so, यहां पे क्या करेंगे सो फर्स्ट वन इंजेक्टिवनेस लेट इंजेक्टिविसक्स टू मेरा इसके हेल्प से एक्स इज इक्वल टू वाई आता है तो मैं बोलूंगा कि मेरा फंक्शन क्या है वन वन विच इज दिस इंप्लाइज दैट ये माइनस ये जो है उसका वैल्यू क्या जाएगी दैट इज जीरो and which is greater than or equals to log of 1 plus mod of x minus y right so this implies that log of yes this implies that log of 1 plus mod of x minus y this is actually zero दिस इज लेस एन और टू जीरो कंडीशन है और यहाँ पे वन प्लस पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस इक्वल जीरो क्या कहता है लॉक का ऐसा ग्राफ होता है वन के लिए फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है और जब वन से आगे फंक्शन की एक्स चला जाए तो उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाती है तो यहाँ पे वन से आगे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई मॉड है तो उस वजह से उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी राइट right? तो so, इसके लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो इसका मीनिंग क्या होता सेम बट लॉग ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो माइ फंक्शन लॉग एक्स इज माई वन वन फंक्शन दिस इंप्लाइज दैट वन इज इक्वल टू वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई सो वन वन गेट कैंसल this this implies implies that that mod of x x y is to this implies that x is to y. so so injective, injective not injective, these get option so, option a and option d ट मॉड ऑफ एक्स माइनस वाईक्स टू जीरो मीनिंग क्या होता है देखिये डोमेन डिपेंड करता है डोमेन मेरा आर है तो फंक्शन की इमेज मुझे क्या चाहिए चाहे वो ऐसा हो या फिर ऐसा हो To, infinity to infinity मेरी इमेज चाहिए। यहाँ पे क्या है फंक्शन इंक्रीजिंग है राइट वाईस इम्प्लाइज दैट याइनस यीरोन इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई दैट इज सेम एज लॉग ऑफ वन प्लस मॉड एक्स ओके तो यहां पर क्या आ गया हमारा मॉड ऑफ याइनस यफॉप जीरो जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लॉग ऑफ वन प्लस मॉड एक्स एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर अगेन यहां पर जैसे जुबी जी ने पूछा था कि ये एक पर्टिकुलर केस क्यों

लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी मॉड ऑफ एक्स माइनस जीरो, ओके दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी क्लियर है ये मेरा अब इन्फिनिटी हो रहा है यहां तक क्लियर है कि मेरा ये जो है वो इन्फिनिटी हो चुका है अब जैसे कि मेरा फंक्शन वन वन है तो एक्स के लिए मॉड ये जो मॉड की वैल्यू है वो इन्फिनिटी हो रही है

जैसे कि मैंने बोला है कि मेरा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा बिकॉज मेरा फंक्शन वन वन है पहली केस मान के चलो फंक्शन इंक्रीजिंग है इस केस में अगर मेरा एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है तो यफ ऑफ एक्स का भी इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो दैट इज सेम एज वॉट लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी येफ ऑफ जीरो कॉन्स्टेंट है तो ये ऑफ एक्स का ही लिमिट इधर इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी होगा यह कैसे होगा यफ ऑफ जीरो को मैं राइट साइड में एड कर दूंगा तो माइनस इंफिनिटी में ऐड कर दूंगा तो भी सेम रहेगा प्लस इंफिनिटी में ऐड कर दूंगा तो भी सेम रहेगा तो ये कंडीशन मेरी हो गई अब अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो टेंड्स टू इंफिनिटी इसका लिमिट मुझे इंफिनिटी ही लाना पड़े, आना पड़ेगा उसको मुझे नहीं लाना पड़ेगा उसको खुद को आना पड़ेगा यस वी कैन यूज अ कंटिन्यूटी एंड इंजेक्टिव फंक्शन विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑल्सो टू प्रूव इट इज ऑन टू यस वही हम करने वाले कि कंटिन्यूस है कंटिन्यूस है इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग की वजह से अगर मेरा एक्स इन्फिनिटी है क्योंकि इन्फिनिटी पे उसके पास दो ही कंडीशन है इंफिनिटी के लिए उसके पास क्या है दो ही कंडीशन है या तो उसको माइनस इंफिनिटी होना पड़ेगा या फिर इन्फिनी होना पड़ेगा अगर जैसे कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है इन्फिनिटी पे उसको सबसे मैक्सिमम वैल्यू टेंकअप करनी पड़ेगी मिनिमम नहीं अगर उसको मिनिमम वैल्यू विटी अटेंग कर रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं कर सकता तो उसको मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी अटेंक करनी पड़ेगी तो कंडीशन उस केस में हो रही है अब जैसे कि इसी कंडीशन में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जैसे मैं इसको लेके चलूंगा माइनस की तरफ मेरी की भी क्या बन जाएगी माइनस इंफिनिटी बन जाती है सिमिलरली दूसरी केस अगर मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जैसे मेरा एक्स इंफिनिटी को चला जाएगा ऑफ योपेक्स माइनस इन्फिनिटी को चला जाएगा और उसी केस में जब मेरा एक्स माइनस इन्फिटी को चला जाएगा ऑफ ऑपेक्स इन्फिनिटी को चला जाता तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी टू अटेंड नहीं करेगा वो अप्रोच करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फंक्शन कंटिन्यूस है सो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इट विल अटेंड्स एवरी पॉइंट बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इंफिनिटी एंड देयरफॉर माय फंक्शन इज सर्जेक्टिव अल्सो राइट इसी वजह से मेरा फंक्शन जो होगा वो सर्जेक्टिव भी बन जाएगा सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी दट इज इंजेक्टिव एज सर्जेक्टिव। क्लियर है? सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन डी ठीक सो ये सारे क्वेश्चन आपको एनालिसिस के देखिए आपको टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन थे एमसी के जहां से आपको एट क्वेश्चन के ही पूछे गए ट्वेंटी मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट के 50 आपको के आपको एनालिसिस क्वेश्चन पूछे गए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस एनालिसिस का क्वेश्चन रियल हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो बट कॉम्प्लेक्स का सिलेबस में है। लेकिन कॉम्प्लेक्स के उतने क्वेश्चन आते नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर चलिए अब ट्रू फॉल्स की तरफ देखते हैं ट्रू फॉल्स में आपको फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन था बस एक रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए फॉल्स सिर्फ ट्रू और फॉल्स यही आपको आंसर देना है नो no तो क्या होगा इसका आंसर क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट होगा या फिर नहीं होगा हमें ऐसा मोनाटॉनिक फंक्शन चाहिए जो कि डिसकंटिन्यूस होगा एवरी रैशनल नंबर पे अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या नेसेसरी है देना बिल्कुल नेसेसरी नहीं, नहीं है बट हमें गारंटी मिलनी चाहिए कि यस ये एग्जिस्ट होगा क्या ये इरेशनल नंबर पे एग्जिस्ट होगा मोरटोनी फंक्शन जो कि इरेशनल नंबर पे डिसकंटिन्यूस है तो कंडीशन क्या है स्टेटमेंट क्या है वहां पे इफ if i am taking any set x which is a subset of r okay shivam ji bol raha hai ki false take f of x is equals to greatest integer function dekhiye greatest integer function jo hai wo discontinuous hai integers pe हमें discontinuity चाहिए सारे के सारे rational numbers पे हमें discontinuity कहां पे चाहिए सारे के सारे rational number पे, पे तो नंबर की चाहिए तो फंक्शन है आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप ऐसी गारंटी दे दे कि यस ये रिजल्ट है जिसके हेल्प से आप बता सकते हो कि आपका फंक्शन एग्जिस्ट होगा या फिर आप डायरेक्टली फंक्शन फाइंड कर लीजिए और ये फंक्शन फाइंड करना उतना भी इजी नहीं है बट गारंटी देना उतना ही इजी है गारंटी क्या है कि देखिए अगर मेरे पास एक ऐसा सबसेट है आर का अगर मेरे पास x, ओके जुबी जी बोल रहे हैं कि डिस्टलेट फंक्शन है बट क्या डिस्टलेट फंक्शन मोनोटोनिक है ये एक बार आप चेक कर लीजिए कि वो है या नहीं, ओके एक्स मेरा सबसे सच दैट एक्स इज काउंटेबल मैं ये रिजल्ट अगर आपको बता दूं तो आपको इस एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमम फाइव सेकंड चाहिए एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए X the subset of R such that X is countable. Then there exists a monotonic function F from R to R such that, such that F is discontinuous on R. ऑन एक्स नॉट ऑन आर डिसकंटिन्यूस ऑन एक्स यहां पर इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो जो डिसकंटिन्यूटी हो वो काउंटेबल सेट पे हो जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो काउंटेबल सेट पे होगी उससे ज्यादा नहीं ओके okay? तो यहां पर क्या है हमें डिसकंटिन्यूटी के लिए सेट कौन सा दिया है गिवन एक्स इज इक्वल टू क्यूब उंटेबल तो अगर आपको ये रिजल्ट पता नहीं है तो जल्दी से इस रिजल्ट को नोट कर लीजिए जल्दी से या फिर जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपके पास काउंटेबल सेट है कोई भी ले लो काउंटेबल सेट कोई कंडीशन नहीं है जैसे फिर से मैं बता देता हूं जुबी जी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है काउंटेबल सेट पे चाहे वो काउंटेबली फाइनाइट हो या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो ओके okay. आपको वो सेट लेना है काउंटेबली इनफाइनाइट या फिर काउंटेबली फाइनाइट और उसके ऊपर फंक्शन को क्या करना है डिफाइन कर देना है ओके okay? तो आपको ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट होगा जो कि मोनोटोनिक है और जो काउंटेबल सेट आपने लिया है उस पे वो डिसकंटिन्यू दिस इज एग्जिस्टेंस प्रॉपर्टी यू कैन से एग्जिस्टेंस ओके इसे बहुत सारे रियल में बहुत सारे एग्जिस्टेंस के थ्योरम है लिमिट सुपीरियर लिमिट का एग्जिस्टेंस का थ्योरम है कॉन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस का एग्जिस्टेंस का थेम है कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज का जो भी कंडीशन जो भी एग्जिस्टेंस होता है कि आपका इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी राइट डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस का तो बहुत सारे लिमिट के एग्जिस्टेंस का बहुत सारे रिजल्ट है जो एग्जिस्टेंस के बारे में बोलते हैं तो ये भी तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा फॉल्स बिकॉज वहां पे नो बोला है तो ऐसा स्टेटमेंट एग्जिस्ट हो रहा है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है जहां पे हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसकी आइडिया नहीं होगी कि इसको स्टार्ट कैसे करें बट हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको इसको क्लियर हो जाए इस एग्जांपल को प्रूफ हाउस का स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट कहता है कि सी इज अ फंक्शन सी डिनोट सी ऑफ क्लोज जीरो फंक्शन फ्रॉम क्लोज जीरो वन ओके यहाँ पे क्या है सी ऑफ Close में क्या है इट इज अ फंक्शन ओके ये हमारा सी ऑफ क्लोज जीरो वन है ये आपको आगे जाके फंक्शनल uh, एनालिसिस में इसके बहुत यूज होते हैं उसके बाद रियल में भी जो हमें सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वहां पर भी इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है ओके तो सी ऑफ़ क्लोज़ ये एक बार फंक्शन समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या है आपको कोई ऐसा नहीं है कि एक और भी है जो कि सेट ऑफ ऑल पोलिनोम ऑफ डिग्री लेजन और भी एक टाइप का सेट है बट यहाँ पे और ज्यादा फंक्शन है ये हमें क्लोज जीरो वन पे जितने पॉसिबल होते हैं उतने कंटिन्यूअस फंक्शन जितने पॉसिबल नहीं जितने एग्जिस्ट होते हैं जितने कंटिन्यूस फंक्शन क्लोज जीरो वन पे एग्जिस्ट होते हैं वो सारे इस सेट में डाल दो और वो आपका सेट बन जाता है सी ऑफ क्लोज जीरो क्लोज जीरो वन पे कंटिन्यूस चाहिए बस बाकी बाकी वो बाकी सेट पे वो डिफाइंड हो ना हो अगर डिफाइंड है तो कंटिन्यूस हो ना हो कोई इश्यू नहीं है बात करते सिर्फ क्लोज जीरो वन की उसके ऊपर वो क्या चाहिए कंटिन्यूस चाहिए ये है हमारा सी ऑफ क्लोज जीरो वन क्लियर हो गया सी ऑफ क्लोज जीरो वन क्या है दूसरा सेट दिया है आर एन जिसमें क्या है ऑल सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर ओके ऑल सीक्वेंसेस एन सच दैट ऑल सीक्वेंसेस एन सच दैट एन इज व्हाट इट इज एक्चुअली अ क्वेंस फ्रॉम दट इज एक्चुअली फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नैचुरल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर ओके तो ये दोनों सेट्स से है और हमें करना क्या है देन देयर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव मैप फ्रॉम धिस सेट टू धिस सेट ओके आपको करना क्या है ये जो सेट्स से, है उन सेट से चेक करना है कि वन वन ने होल्ड हो रही या नहीं पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बाइजेक्टिव में आप डिफाइन कर लेते हैं जो कि काउंटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आई विल डिफाइन देखिए हमारे पास ये सेट हमारे पास फंक्शन जो डिफाइंड हो रहा है क्लोज जीरो वन टू आर पे डिफाइंड हो रहा है ओके एंड एन क्या है सारे सीक्वेंसेस है तो अब मैं क्या करता हूं कि क्लोज जीरो वन पे मैप हो ऐसी सीक्वेंस डिफाइन कर लेता okay, क्लोज जीरो वन पे मैप हो ऐसी सीक्वेंस डिफाइन कर लेता तो लेटेस्ट डिफाइन यच इज अ फंक्शन कोई भी मैप ले सकते हो तो आप यब जी यच के कुछ भी ले लो यच इज अ मैपिंग फ्रॉम यच इज मैपिंग फ्रॉम व्हाट वी हैव क्लोज अस yes, हमें कहा से कहा लेना पड़ेगा नेचुरल नंबर टू लेना पड़ेगा बिकॉज टू डिफाइन अवेंस आर्बिट्री सिक्वेंस टू क्यू इंटरसेक्शन क्लोज जीरो अब यह क्या बनेगा यू कैन से दिस इज अ सिक्वेंस यू कैन से दिस इज अ फंक्शन विच इज बाइजेक्टिवल ओके दिस इज वॉट सिक्वेंस ऑफ This is sequence and bijective function. So, it will be यहां पर फिर क्या बन जाएगा इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन ओके सो अब हमें क्या करना है अब हमें आर्यन का जो सेट है उस सेट को देख लेते हैं Aryan के सेट में कैसे? उसके फॉर कोई भी सीक्वेंस ले लो जो रियल नंबर से से बिलोंग्स करती है, यू कैन टू लो पाई e लो, e लो, e लो, लो, लो सिर्फ रैशनली रैशनल नंबर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सो इज बिलोंग्स टू आर्यन दिस बिलोंग्स टू आर्यन ओके तो हमारे पास अब आपको दिखने लगे हैं अब आपको क्या क्या दिखने लगा है ये फंक्शंस दिखने लगे ओके okay? एंड ये सीक्वेंसेस दिखने लगे तो अब हमें मैप डिफाइन करना है कहां से कहां तक सी ऑफ क्लोज जीरो वन टू आर तक तो फंक्शन नाउ डिफाइन अच्छे से क्लियर कर लीजिए डिफाइन इज अ फंक्शन फ्रॉम यर फ्रॉम सी ऑफ क्लोज जीरो वन C of close zero one okay C of okay close zero one है टू आरयन ओके तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम जस्ट यन स्क्रिप्ट तो अब यहाँ पे फंक्शन में हमें डोमेन में जो फंक्शन एनालिसिस में हमेशा होता है डोमेन में हमें फंक्शन है डोमेन में जो एलिमेंट्स है वो इट सेल्फ फंक्शन है डोमेन में क्या है डोमेन में एलिमेंट्स है जो कि इट सेल्फ फंक्शन है सो सच दैट इफ आई एम टेकिंग एनी फंक्शन ये सच दैट कैपिटल य स्मॉल यू इज इक्वल टू वॉट यमा यू कोमा ये ओके तो यह मैंने फंक्शन डिफाइंड कर लिया अब यहां पर क्या करेंगे हम अब यह फंक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एच ऑफ वन यू एच ऑफ थ्री कहां पर जा रहा है देखिए

इंटरसेक्शन क्लोज जीरो वन पे तो इसकी जो इमेज होगी वो क्लोज जीरो वन के अंडर होगी इसकी जो इमेज होगी वो कहां पे होगी क्लोज जीरो वन के अंडर होगी तो ये जो इलिमेंट है दैट इज बिलोंग्स टू क्लोज जीरो वन दिस इलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू क्लोज जीरो वन और यफ जो हमारा फंक्शन है वेयर यफ बिलोंग्स टू सी ऑफ क्लोज जीरो वन

कमा जी बिलोंग्स टू दैट सी ऑफ क्लो जीरो वन ओके यफ एंड जी मेरे इसके फंक्शन है सच दैट जो हम डेफिनेशन यूज करते हैं सच दैट यफ ऑफ यफ यफ ऑफ़ सेम एज यफ ऑफ जी ओके ये कंडीशंस अब हमने लिए दैट मींस जैसे हम यूज करते y, और हम चेक करते हैं नॉट तो अब हमें यहाँ पे क्या चेक करना है वेदर और नॉट ओके तो अब यहाँ पे क्या जाएगा दिस इंप्लाइज़ दैट इसकी इमेज क्या है दैट इज एक्चुअली अ सिक्वेंस ओके विच इज सेम एज जी ऑफ यच ऑफ वन कॉमा जी ऑफ यच ऑफ टू कॉमा जी ऑफ यच ऑफ थ्री एंड सो ऑन ओके तो ये दोनों सेट से, वो सेम बन जाती तो है क्योंकि यहाँ पे ये पर इक्वेलिटी है यहाँ पे इक्वलिटी है तो करस्पॉन्डिंग जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम बन जाएंगे so, तो दिस इंप्लाइज दैट यफ ऑफ एच ऑफ वन इज सेम एच जी ऑफ एच ऑफ वन यू इज सेम एच जी ऑफ यच ऑफ टू Okay, f of h of 3 is same as g of h of 3. So, in general, f of h of i is same as g of h of i. Clear? Eh? And this is true for all i belongs to set of natural number. This is true for i belongs to set of natural number. Now, what I have? as च इज बाइजेक्टिव मैप एज माई यच इज बाइजेक्टिव मैप दिस इंप्लाइज दैट मेरा यच बाइजेक्टिव है तो लेटेस्टिक दिस इज माई इलेमेंट एक्स इलेमेंट वाई एंड मेरा वो जो मैप है वो बाइजेक्टिव है ओके okay. तो so, यहां से क्या बन जाएगा यफ इज आइडेंटिकली इक्वल टू जी ओके इज़ इक्वल टू यज इक्व टू जी दिस इज ट्रू फॉर ऑल दैट इलिमेंट्स ओके लिए होगा यच ऑफ आई के लिए होगा वो दिस इज ट्रू फॉर यच ऑफ आई सो यच ऑफ आई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वॉट इज येट इज अमेज सेट ऑफ यच फंक्शन दट इज अमेज सेट ऑफ एच फंक्शन एंड माई फंक्शन इज यच इज बाइजे टू देर फॉर इमेज सेट इज होल दैट सेट

द लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ईजी है एयन बी अउंडेड सिक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसके लिमिट सुपेर लिमिट इन्फिनियर एक्जिस्ट बन जाएंगे एंड देर इज अं थे अपॉन बी एन अगर आपको ये रिजल्ट पता नहीं है तो जल्दी से नोट कर लीजिए विच इज से मैच लिमिट यू इंफिनिटी सुपेरियर ऑफ एयन डिवाइडेड बाय लिमिट इन्फीरियर ऑफ बी एन ओके सो देर फोर लिमिट ओके जुबी जी जल्द एक बार मुझे बता दीजिए कि रिपीट क्या करना है तो लिमिट सुपेरियर ऑफ एन अपॉन बी एन जो है दैट इज सेम एज ओके सो देर इज अ वन अपॉन ए एन इसका लिमिट क्या आ जाएगा लिमिट सुपेरियर ऑफ वन एजन टेंस इंफिनिटी डिवाइडेड बाय

जिसमें सारे के सारे रियल के सिक्वेंसेस थे अब हमें चेक करना है कि क्या वहां पे वन वन फंक्शन डिफाइंड होगा या नहीं तो वन वन ने मुझे कोई मैप जो मैप मैंने यहाँ पे डिफाइन किया मैंने ऐसा मैप डिफाइन किया है जिससे जो मैप क्या कहता है कि मुझे यहां से एक फंक्शन उठाना पड़ेगा जो कि मैप कर रहा आर्यन को जो कि सिक्वेंस को मैप करेगा मुझे ऐसा फंक्शन उठाना है जो कि सिक्वेंस को मैप करेगा तो उसके लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया एक सिक्वेंस बना ली जो कि बाइजेक्टिव भी होगी तो मैंने डिफाइन कर लिया यच टू सॉरी यन टू क्यू इंटरसेक्शन क्लोज जीरो क्यों लिया एक तो मुझे चाहिए थी वो सीक्वेंस तब जाके मैं उसको सीक्वेंस के फॉर्म में डिफाइन कर सकूंगा तो इसके लिए मैंने डोमेन ले लिया यन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में यहां पे झेड भी ले सकता था बट झेड नहीं लिया बिकॉज मुझे सीक्वेंस में उसको आगे जाके कन्वर्ट करना है ओके तो मैंने यन ले लिया उसके बाद जो डोम कोडोम जो है मुझे उसको बाइजेक्टिव डिफाना है डिफाइन करना है तो मैं क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्लोज जीरो इंटरसेक्शन जेड या फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी नहीं कर सकता तो मुझे काउंटेबली इंफेनाइट सेट लेना है तब जाके मेरा बाइजेक्टिव बनेगा तो मैंने क्यू इंटरसेक्शन क्लोज जीरो वन ले लिया ओके तो ये मेरा ये फंक्शन है जो कि बाइजेक्टिव है एंड विच एक्चुअली सिक्वेंस ऑल्सो So, अब मैं मैप डिफाइन कर सकता हूं यफ फ्रॉम सी ऑफ क्लो जीरो मैप मैंने कैसे डिफाइन किया मुझे मैप में करना क्या है डोमेन में, में मेरे पास सेट ऑफ फंक्शन है एंड कोडोमेन डोमेन में मेरे पास सेट ऑफ सिक्वेंसेस ओके तो डोमेन का मैं क्या करता हूं सेट ऑफ फंक्शन से कोई एक फंक्शन उठा लिया मैंने यफ जिसको जिसको मैं मैप कर रहा हूं जिसको मैं मैप कर रहा हूं सिक्वेंस पे वो मैप मैंने कैसे किया एफ ऑफ एच ऑफ वन जो जो फंक्शन एच मैंने पहले डिफाइन किया था उसको एफ ऑफ एच ऑफ वन कमा एफ ऑफ एच ऑफ टू कमा एफ ऑफ एच ऑफ थ्री राइट तो ऐसे मैंने माफ कर लिया अब यहाँ पे एफ ऑफ दैट टर्म ये जो टर्म है एच वन एच ऑफ वन एफ का डोमेन जो मैंने यहाँ पे दिया एच का डो एफ का जो डोमेन है वो क्लोज जीरो वन है तो उसके लिए मुझे क्या करना है

यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट्स क्या है इसके फंक्शंस से तो मैंने दो फंक्शंस ले लिए c ऑफ क्लोज 0 1 से सच दैट ये जो कंडीशन है उसको ले लिए f ऑफ स्मॉल f इज इक्वल्स टू f ऑफ स्मॉल g ओके okay? अब मुझे क्या करना है आई हैव टू चेक वेदर f g और नॉट तो ये जो इमेजेस इमेजे है उसकी इमेजेस में नहीं लिखते इस डिफिनेशन स्केल से उस इमेजेस में सीक्वेंसस आ गई अब दो सीक्वेंस सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग इलिमेंट्स भी सेम होंगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म टर्म थर्ड इज इक्वल टू थर्ड टर्म तो ऐसे सारे टर्म्स सेम हो रहे हैं। तो इन जनरल ऑफ ऑफ इज सेम एज ऑफ यच ऑफ आई एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिस इज ट्रू फॉर आई ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ओके ये हो गया अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसके बाद यहां से क्या बनेगा <coughs> ये दोनों एलिमेंट है ओके okay? तो यहां से क्या बनता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ एक्स फॉर ऑरियन ओके दिस इज ट्रू एक्स देर इज ऑल्सो एक्स एच ऑफ आई एच ऑफ आई ओके अब यहाँ पे क्या है कि ये दोनों ये ऑफ एक्स हो रहा है फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड सारे के सारे अगर मेरे आई लिए ट्रू हो रहा है तो सारे के सारे एक्स जो क्यू इंटरसेक्शन क्लोज जीरो वन में है उसके लिए भी ट्रू होगा बिकॉज वही इमेज है इट्स सेल्फ तो यफ इज इक्वल टू जी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन जीरो वन अब रियल में रियल एनालिसिस में आइडेंटिटी थेरम नाम का एक थेरम है आइडेंटिटी वो वो क्या कहता है? वो ये कहता है? है ये कि अगर मेरे पास किसी भी सच दैट एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड एंड जी आर कंटिन्यूस ऑन यस

एज माई यफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल योल टू कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल जी इज इक्वल बोल सारी जीप शोज दैट माई ये फंक्शन मैंने कहा से यहां से जो फंक्शन मैंने सी ऑफ क्लोज जीरोक्शन है ओके सो देर एग्जिस्ट एन इंजेक्टिव मैप फ्रॉम धिस सेट टू धिस से तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट मेरा क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है ओके एंड दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ ओके ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और उसके बाद ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो सिर्फ एक ही रिजल्ट से आता है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ओके सो सारे के सारे क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए हैं कल आपके साथ ज्वाइन होंगे विकास सर एंड पुलकित सर जो आपके साथ सुबह मॉर्निंग को 2019 की क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे विकास सर और एंड इवनिंग में कुलकी सर आपके साथ ज्वाइन होंगे जो 2020 के एंड मैट्रिक्स ट्वेंटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड विकास सर आपको मॉर्निंग में सॉरी लीनियर सॉरीजेब्रा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओके okay? तो कल सुबह आपको मॉर्निंग में भी इलेवन बजे एंड शाम को पांच बजे ज्वाइन होना है और जो भी आपके डाउट्स है उस टॉपिक्स में उसको क्लियर कर लें ओके okay? So all the very best and thank you so much.